हेलो दोस्तों, आज हम बना रहे हैं आलू मेथी की सब्ज़ी। तो मेथी में सबसे ज़्यादा शिकायत ये होती है कि मेथी कड़वी बनती है, जिसकी वजह से बच्चे भी नहीं खाते हैं। तो आज जो मेथी बनाएंगे वो कड़वी बिल्कुल नहीं बनेगी। तो सबसे पहले हम मेथी को साफ़ कर लेते हैं, इसमें जो कूड़ा है वो निकाल देंगे और जो मोटी मोटी डंठल है ना वो भी निकाल देंगे, और इसे धो लेंगे कम से कम 2-3 बार पानी में इसे धो लेंगे ताकि इसकी मिट्टी निकल जाए। और धोने के बाद हमें मेथी को काटना है। तो मेथी भी हमारी कट कर तैयार हो चुकी है। मेथी को छोटा काटना है और कढ़ाई ले लेंगे, उसमें सरसों का तेल डाला है। उसके बाद डालिए लाल मिर्च, जीरा, और इसमें जाएगी अब हींग और लहसुन, अदरक और प्याज। एक बड़ी प्याज ली है मैंने, इसे ज़्यादा नहीं भूनना है, थोड़ा हल्का भूनना है। अब इसमें मैंने डाले हैं आलू। देखिए आलू हैं, कम से कम 4-5 आलू हैं, और आलू को मैंने छीला नहीं है क्योंकि इस टाइम आ रहे हैं नए आलू। तो नए आलू का तो स्वाद ही बहुत अच्छा होता है। आप इसे पानी में मतलब धो लीजिए और मिट्टी निकाल दीजिए, बाकी इसे ऐसे काट दीजिए बिना छीले, तो बहुत अच्छे लगते हैं। तो इसमें मैंने डाली है नमक। इस टाइम नमक डाल के इसे थोड़ा सा चला के अब इसमें डालेंगे हम हल्दी पाउडर। हल्दी भी डालेंगे और इसमें जाएगी अब लाल मिर्च पाउडर। हल्दी और लाल मिर्च डालकर इसे 2-3 मिनट भूनेंगे, क्योंकि हर चीज़ को मसाले को डालकर उसे 2-3 मिनट भूनना बहुत ज़रूरी होता है, जब भी उसका टेस्ट निकल कर आता है। अगर आप एकदम डाल के उसे मतलब चलाएंगे नहीं, भूनेंगे नहीं, तो सब्ज़ी बढ़िया नहीं बनती है। तो अब हम इसे 5 मिनट ढक कर रख देते हैं। 5 मिनट हो चुके हैं, अब आलू भी लगभग हमारे तैयार ही हो चुके होंगे। देखिए आलू भी लगभग तैयार हो ही गए हैं। तो अब इसमें डालेंगे हम, हरी मिर्च डाली थी मैंने और इसमें डाला है टमाटर। टमाटर के बाद डाले हैं नमक, और टमाटर की मात्रा है 3 टमाटर काटे हैं मैंने बड़े। टमाटर इसलिए ज़्यादा काटे हैं क्योंकि टमाटर जो होते हैं ना, मेथी की कड़वाहट को कम करते हैं। जो कड़वी लगती है मेथी, वो टमाटर डालने से कम कड़वी लगती है, इसलिए मैंने टमाटर ज़्यादा डाले हैं। और फिर डालेंगे हम 2 चम्मच भर के सूखा धनिया। धनिया डालने के बाद फिर इसे चलाना है, यानी कि धनिया भी भुन जाना चाहिए हमारा। तो 1 मिनट के लिए इसे चला देंगे, और चलाने के बाद इसे ढक के रख देंगे 5 मिनट के लिए। 5 मिनट हो चुके हैं क्योंकि टमाटर भी गलने ज़रूरी थे। जब वो गल जाएंगे तभी तो बढ़िया लगेंगे। तो टमाटर और आलू दो तैयार हो गए थे, अब मेथी भी डाल दिए। देखिए मेथी कड़वी ना बने इसके लिए हमने 3 ट्रिक करी हैं। एक तो हमने इसकी मोटी मोटी डंठल निकाल दी, दूसरे टमाटर गिरे हैं उससे कड़वी कम बनेगी, तीसरा हम इसे खुली पकाएंगे यानी कि हम ढककर नहीं पकाएंगे। और मैंने इसमें इस टाइम डाला है नमक हल्का सा, और गरम मसाला डाला है। जो भी आपके पास गरम मसाला हो, जो आप यूज़ करते हो, आप उसे डाल लीजिए। देखिए सूखी आप ढककर मेथी बनाएंगे ना, कड़वी बनेगी। आप हमेशा इसे खुली बनाएं और इसे इस टाइम चलाते रहें, ढक के ना रखें और ना धीमी आँच रखें, मीडियम आँच रखनी है, और इसे चलाते रहेंगे लगातार। इस टाइम चलाना ज़रूरी है, 5 से 10 मिनट लगते हैं, और इसे चलाते चलाते मेथी बनकर हमारी तैयार हो जाती है। इसकी पहचान ये है कि ये पानी बिल्कुल सूख जाएगा। देखिए इस टाइम बिल्कुल मेथी का पानी सूख गया है। अब ये मेथी बिल्कुल भी कड़वी नहीं लगेगी। आप एक बार इस ट्रिक से बना के देखिए, आपको मेथी परांठों के साथ बहुत बढ़िया लगेगी, बड़े नहीं बच्चे भी खाएंगे। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।